नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण ठाकुर आपके पाठ्यक्रम 510 के विषय वैज्ञानिक ज्ञान के विविध स्वरूप पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। शिक्षार्थियों, विज्ञान अपने विविध रूप में, विभिन्न रूप में हम सब के समक्ष होता है। विज्ञान का महत्व या हमारे जीवन में विज्ञान की भूमिका के बारे में बहुत अधिक समझाने समझने की आवश्यकता नहीं है। यह हम सभी जानते हैं कि विज्ञान आज के हमारे मानव जीवन का, हमारी सभ्यता का एक अपरिहार्य हिस्सा बना हुआ है। इसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। ऐसे में यह जानना भी आवश्यक है कि वैज्ञानिक ज्ञान जो स्वरूप लेता है अपना, या वैज्ञानिक ज्ञान का जो सृजन होता है, विज्ञान की विकास यात्रा जब होती है और उस विकास यात्रा के परिणाम स्वरूप विज्ञान के कोश में जो वृद्धि होती जाती है, विज्ञान का संवर्धन होता है, तो किन किन स्वरूपों में विज्ञान संवर्धित होता है, या विज्ञान की यह विकास यात्रा इसके ज्ञान के किन किन स्वरूपों के द्वारा प्रभावित होती है या एक आकार लेती है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान के कौन कौन से विविध स्वरूप हो सकते हैं। यहाँ पर आज की चर्चा में हम वैज्ञानिक ज्ञान की कुछ स्वरूपों पर विचार करेंगे, जिसमें कि परिकल्पना, हाइपोथेसिस कहते हैं इसे अंग्रेजी में, साइंटिफिक हाइपोथेसिस, परिकल्पना, थियरी या उसे हम अभिमत कह सकते हैं, प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ होते हैं, यह भी वैज्ञानिक ज्ञान के स्वरूप में से एक है। फिर साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, यह भी वैज्ञानिक ज्ञान का एक उदाहरण है, एक स्वरूप है। प्रमाण, एविडेंस या साक्ष्य, यह भी वैज्ञानिक ज्ञान का एक स्वरूप है। उसी तरह से एक शब्दावली है, हाल के दिनों में काफ़ी चर्चित हुई है, पैराडाइम कहते हैं उसे। यह पैराडाइम, इसे हम एक जो नज़दीकी हिंदी शब्द है, चिंतन फलक के तौर पर हम मान सकते हैं, या चिंतन की एक विशिष्ट विधा, सोच की एक विशिष्ट विधा के तौर पर हम इसे मान सकते हैं, पैराडाइम। हम अभी आगे इस पर भी विमर्श करेंगे। और वैज्ञानिक ज्ञान के स्वरूप में उनसे एक है आगमनात्मक ज्ञान है, इंडक्टिव रेफरेंसेज, इंडक्टिव रीजनिंग है। दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रेफरेंसेज है, निगमनात्मक ज्ञान है, और एक आगमनात्मक निगमनात्मक दृष्टिकोण है। यह सात, यहाँ पर आज की चर्चा में ये सात बिंदु हैं जिन्हें हम वैज्ञानिक ज्ञान के स्वरूप के तौर पर, जिन पर हम विमर्श करेंगे। तो हम पहली जो अवधारणा है, वैज्ञानिक परिकल्पना, हाइपोथेसिस, इसको समझने की चेष्टा करते हैं। परिकल्पना जो होती है वह असल में, विज्ञान को हम पहले एक बार देखें अगर, तो विज्ञान करता क्या है, तो विज्ञान प्रकृति में, परिवेश में होने वाली घटनाओं की तार्किक व्याख्या करता है, एक रीज़न आउट करने की कोशिश करता है कि यह घटना क्यों घटित हो रही है, या फिर उसके आधार पर भविष्य की घटनाओं से संबंधित वह अनुमान लगाने की भी चेष्टा करता है अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर। तो विज्ञान की जो यह प्रक्रिया होती है उसमें परिकल्पना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हाइपोथेसिस या परिकल्पना किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव, या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव होता है, उसे परिकल्पना कहते हैं। यानी परिकल्पना किसी भी समस्या या किसी भी प्रश्न का एक संभावित उत्तर होता है, परिकल्पना, हाइपोथेसिस। और वैज्ञानिक विधि के नियमानुसार यह आवश्यक है कि कोई भी परिकल्पना परीक्षणीय होनी चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए। बिना टेस्टेबिलिटी के, बिना परीक्षणीयता के हाइपोथेसिस का कोई भी यूज़, कोई भी उपयोग नहीं होता, सार्थक नहीं होता। सामान्य व्यवहार में अगर हम देखें तो परिकल्पना का मतलब किसी अस्थाई
प्रोविजनल आइडिया से, अस्थाई विचार से होता है, जिसके गुणागुण मेरिट का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, उसका मेरिट अभी तक कंफर्म नहीं हो पाता, सुनिश्चित नहीं हो पाया है, इसे हम परिकल्पना कहते हैं। और वैज्ञानिक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में परिकल्पना इसलिए भी आवश्यक है कि पहले हम जब हमारे समक्ष कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उसका एक संभावित हल हम ढूंढते हैं, संभावित हल रखते हैं अपने समक्ष। वो संभावित हल जब रखते हैं कि नहीं इसका यह कारण हो सकता है, उसके पश्चात हम आगे खोज या परीक्षण के लिए बढ़ते हैं। तो परिकल्पना एक तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया की शुरुआत है, जहाँ से कि वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक शोध प्रारंभ होता है। यह किसी भी समस्या के लिए सुझाया गया वह तात्कालिक समाधान है, वह उत्तर है जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सकती हो। यह दो या दो से अधिक चरों के बीच किस प्रकार का संबंध है, दो घटनाओं के बीच में किस प्रकार का संबंध है, यह इंगित करता है, और यही अनुसंधान के विकास का उद्देश्यपूर्ण आधार भी होता है। प्रायः साइंटिफिक हाइपोथेसिस जो होती हैं, जो वैज्ञानिक परिकल्पनाएं होती हैं, वो मैथमेटिकल मॉडल के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, गणितीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत की जाती है। जो परिकल्पनाएं अच्छी तरह परखने के बाद, जांचने के बाद वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाती हैं, सुस्थापित हो जाती हैं, उनकी वैधता और विश्वसनीयता साबित हो जाती हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ये सब साबित हो जाती हैं, उन परिकल्पनाओं को सिद्धांत कहा जाता है। अब हम आगे देखें कि परिकल्पना के कार्य क्या होते हैं। तो परिकल्पना के कार्य में थोड़ी सी जो भूमिका अभी दी गई है उससे भी यह स्पष्ट होता है कि यह परिकल्पना खोज की दिशा को स्पष्ट करते हैं। वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का सीमांकन भी परिकल्पना के द्वारा किया जाता है और खोज हेतु महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन भी किया जाता है। परीक्षण और पुनः परीक्षण द्वारा निष्कर्ष की सत्यता का मूल्यांकन करना यह भी परिकल्पना का कार्य होता है। जब परिकल्पना के इस विशेषता को हम देखते हैं तो हम इसकी प्रकृति को जान और लेना चाहिए हमें कि परिकल्पना होना कैसा चाहिए। यह परीक्षण के योग्य होनी चाहिए। इसमें शोध प्रश्नों का या जिज्ञासा का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। बेशक या तो वो उत्तर सही साबित हो या वह गलत साबित हो, दोनों स्थिति में वैज्ञानिक ज्ञान का ही संवर्धन होता है। परंतु परिकल्पना के लिए यह आवश्यक है कि इसमें शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। यह सत्याभासी एवं तर्कयुक्त भी होना चाहिए। परिकल्पना अफवाह जैसा नहीं लगना चाहिए, इसमें सत्य का आभास हो और लॉजिकल हो, तर्कयुक्त भी होना चाहिए। यह भी परिकल्पना की मुख्य मूल प्रवृत्ति होनी चाहिए। और इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि कोई भी परिकल्पना ऐसी ना हो जो कि प्रकृति के ज्ञात नियमों के प्रतिकूल हो, कभी नहीं होनी चाहिए। प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल कोई भी परिकल्पना नहीं होनी चाहिए। तो यह तो बात हुई परिकल्पना की। विज्ञान के ज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान के स्वरूपों में से एक प्रमुख स्वरूप है थियरी, जिसे हम अभिमत कह सकते हैं, वाद कह सकते हैं। जो साइंटिफिक थियरीज होती हैं वह थियरी किसी विचार या विचारों के उन समूह को कहते हैं जिसके उद्देश्य किसी घटना, प्रक्रिया या किसी तथ्य की व्याख्या करना होता है। विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में थियरी एक स्वीकृत या सत्य साबित परिकल्पना है। यानी कि पहले एक जो परिकल्पना होती है कि टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, एक तात्कालिक, एक हमने बताया कि ये उत्तर हो सकता है, वहाँ पर सकता है, यानी कि उसमें परीक्षण करना शेष है। और जब उस परिकल्पना का परीक्षण हो जाता है, टेस्टिंग हो जाती है उसकी, उससे जो एक निष्कर्ष निकलता है, वह जो एक टेंटेटिव सॉल्यूशन था, तात्कालिक समाधान था, वह अगर सत्य साबित हो गया तो उससे एक थियरी का सृजन होता है। अनेकानेक परीक्षणों से गुजरकर जब कोई परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है तो उसे थियरी कहते हैं। परंतु थियरी की एक और विशेषता होती है कि कोई भी थियरी परमानेंट नहीं होती।
थियरी तभी तक वैध रहती है जब तक कि उसे असत्य साबित नहीं कर दिया जाता, और थियरी के असत्य साबित होने की संभावना सदैव बनी रहती है। यह विज्ञान की विशेषता भी है। अब जैसे थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, अरस्तु ने एक थियरी दी थी मानव के विकास की, या मानव के उद्गम के संबंध में अरस्तु ने एक थियरी दी। थियरी अलग अलग हो सकती है, हमारी थियरी हो सकती है, आपकी थियरी हो सकती है, नील बोर्स की थी, एटॉमिक मॉडल से संबंधित थियरी थी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी है। उसी तरह से हम यहाँ पर एक समझने की चेष्टा करें कि थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, स्वतः उद्गम, स्वतः जन्म लेने का जो कि जो थियरी थी अरस्तु ने दी, उनके अनुसार में जो अजैविक, जो निर्जीव पदार्थ थे, जो जीव नहीं थे, उससे प्राणी का जन्म हुआ धीरे धीरे, और उससे फिर कालांतर में मनुष्य का यह जो वर्तमान स्वरूप है, वहाँ तक मानव की विकास यात्रा चली है। तो यह थियरी है, पर थियरी वही है कि लगातार विज्ञान की विशेषता भी है कि विज्ञान क्योंकि निरंतर अपने ही कथनों को, अपने ही सिद्धांतों को जांचता रहता है, परखता रहता है, तो वो थियरी तभी तक वैध है जब तक कि उसकी सत्यता असत्य में ना परिवर्तित हो जाए। जैसे कि टोलेमी की सौरमंडल से संबंधित थियरी थी कि सूर्य परिक्रमा करता है पृथ्वी की और पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है, परंतु वह असत्य साबित हो गई, तो अब उस थियरी का अस्तित्व नहीं है। वैज्ञानिक ज्ञान के अगले स्वरूप के रूप में हम नेचुरल लॉ या वैज्ञानिक नियम, प्राकृतिक नियम को समझने की चेष्टा करते हैं। ये जो नियम होते हैं ये बिल्कुल पुष्ट विचार होते हैं। ये वैज्ञानिक या प्राकृतिक नियम प्रकृति की घटनाओं के संबंध में सत्यापित एवं पुष्ट विचार होते हैं। ये ऐसे तथ्यात्मक कथन होते हैं जो निश्चित परिस्थितियों में एक समान होते हैं। जैसे न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन ने कहा कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। अब यह चीज हम पाते हैं कि कहीं भी इस चीज को हम आजमा लें तो यह एक ही समान रहना है इसे। या जैसे इनर्शिया की थियरी दी, इनर्शिया का नियम बताया। इनर्शिया का नियम न्यूटन ने दिया कि कोई भी जो वस्तु गति में है वह निरंतर गति में रहना चाहती है, जो स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है, तब तक जब तक कि कोई एक बाहरी बल उस पर लगाया ना जाए। यानी कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल उसको धक्का ना दे दे, तो वह वस्तु गतिशील हो जाएगी। उसी प्रकार कोई भी वस्तु चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसको कोई बाह्य बल, अब यहाँ पर सिर्फ मानवीय बल ही नहीं बल्कि जब वो जैसे कोई बॉल है तो वो धरती पर चल रही है, लुढ़क रही है, वहाँ पर भी बल लग रहा है, वहाँ घर्षण का बल है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो लग रहा है, और उस बल की वजह से वो धीरे धीरे बॉल विराम की ओर पहुँचता है। तो अगर वो फ्रिक्शन वहाँ पर ना हो तो वो अनवरत चलता रहे, तो यह एक नियम है। अब इस नियम में ये जो नियम होते हैं ये एक सत्यापित नियम होते हैं, पुष्ट विचार है, निश्चित परिस्थितियों में एक समान होते हैं। तो ये भी विज्ञान के ज्ञान के स्वरूप के एक अवयव के रूप में है। जो अगला है वो है वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट्स। अब ये तथ्य प्रकृति में किसी चीज या प्रक्रिया के वास्तव में घटित होने संबंधी विचार या अवधारणा को तथ्य कहते हैं। हम इसे सत्य के पर्याय के तौर पर भी, सिनोनिमस के तौर पर भी समझ सकते हैं। ये सत्य है। वैज्ञानिक तथ्य जो होते हैं उनका अस्तित्व प्रयोगकर्ता या अवलोकनकर्ता के अस्तित्व से अलग और अनाश्रित होता है। अनाश्रित का मतलब कि उस पर डिपेंड नहीं करता है वह। उदाहरण के तौर पर एक साइंटिफिक फैक्ट है कि सौर मंडल में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो यह एक साइंटिफिक फैक्ट है। इसे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हम इसे छोटा नहीं बना सकते, हम इसे यह नहीं कह सकते कि बृहस्पति ग्रह जो है जुपिटर वो सबसे छोटा ग्रह है या नहीं उससे भी बड़ा कोई ग्रह है, क्योंकि जो सौर मंडल, जिस सौर मंडल में हम रह रहे हैं, उस सौर मंडल में अभी तक जितने भी निष्कर्ष निकले, जितने भी परीक्षण हुए हैं, उसके परिणाम स्वरूप यह सर्वमान्य तथ्य है, यह फैक्ट है कि बृहस्पति जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो यह एक फैक्ट है और इस फैक्ट को बदला नहीं जाता।
इसे बदला जा भी नहीं सकता, मनुष्य इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो वैज्ञानिक तथ्य ऐसे ही तथ्य होते हैं जो कि सदैव वो अचल रहते हैं, सत्य रहते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के विविध स्वरूपों में से एक प्रमुख स्वरूप वैज्ञानिक तथ्य का होता है। अगला एविडेंस है, प्रमाण है। प्रमाण भी वैज्ञानिक ज्ञान का एक प्रमुख स्वरूप है। दरअसल पूरा का पूरा विज्ञान और विज्ञान नामक इस ज्ञानानुशासन का विकास जो हुआ है, विज्ञान की यह जो विकास यात्रा रही है, यह प्रमाण के बल पर ही इसमें आगे आगे परिमार्जन भी होता गया है। विज्ञान मनुष्य की खोज धर्मा प्रवृत्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मनुष्य निरंतर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए प्रयोग करता है। उस प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो साक्ष्य, जो एविडेंस उत्पन्न होता है, वह सत्य के रूप में स्थापित होता है। तो वैज्ञानिक तर्क जब हम करते हैं तब उसमें हम सबसे पहले परिकल्पना करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। उस व्याख्या के परिणाम स्वरूप एक साक्ष्य हमारे समक्ष उत्पन्न होता है जो आगे विज्ञान की दिशा और दशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह प्रमाण भी वैज्ञानिक ज्ञान के प्रमुख स्वरूपों में से एक स्वरूप है। अगला जो शब्द अभी हमने प्रयुक्त किया था, पैराडाइम। पैराडाइम को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि एक पैराडाइम सोचने की एक विशिष्ट पद्धति है। यह नियमों, सिद्धांतों, थियोरीज, विधियों, प्रविधियों, उपकरणों आदि का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जिसके माध्यम से कि सत्य तक पहुंचने की प्रयास मनुष्य करते रहता है। सत्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य निरंतर प्रयत्नशील रहता है। पैराडाइम की एक और विशेषता होती है कि एक पैराडाइम जो होता है वह दूसरे पैराडाइम से भिन्न होता है, और सत्य की खोज में अगर कोई व्यक्ति किसी एक पैराडाइम के अंतर्गत विभिन्न पद्धतियों को अपना रहा है तो वह आम तौर पर, खास करके वैज्ञानिक ज्ञानानुशासन में, वो दूसरे पैराडाइम का सहारा नहीं लेता। मैं एक बहुत ही सरल उदाहरण देना चाहूँगा पैराडाइम को समझने के लिए। जैसे हम बीमार पड़ते हैं या मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं होती हैं तो उसके कारण को ढूंढने के लिए या ढूंढवाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है और ये किस वजह से हो रही है। तो अब आप देखेंगे कि डॉक्टर भी हमारे समाज में अलग अलग विधाओं से आते हैं। कुछ तो एलोपैथी डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथी के अलग डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेद के अलग डॉक्टर होते हैं, यूनानी चिकित्सा पद्धति के अलग डॉक्टर हकीम होते हैं। तो ये सभी अलग अलग पैराडाइम के प्रतिनिधि होते हैं। जो एलोपैथिक पैराडाइम के डॉक्टर हैं उनके टेस्ट करने की पद्धति अलग होती है, उनकी दवाइयाँ अलग होती है, वो आपको जो इलाज बताएंगे वो अलग होता है। होम्योपैथिक पैराडाइम के जो डॉक्टर होते हैं वो आपसे अलग तरीके से पूछताछ करते हैं, वो आपके पूरे व्यक्तित्व को समझने की चेष्टा करते हैं और आपके व्यक्तित्व को अपने हिसाब से समझकर फिर आपके लिए कोई दवा देते हैं। वो उस रोग के इलाज के लिए दवा नहीं देते बल्कि आपके पूरे शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम को फिर से संतुलित करने के लिए दवाइयां देते हैं ताकि बीमारियां अपने आप खत्म हो जाए। तो उनकी सोच, उनकी अवधारणा या उनका तरीका, उनकी शैली अलग होती है। कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर आपको इंजेक्शन नहीं देता, लेकिन एलोपैथी वाले सबसे पहले वही काम कदाचित करते हैं। तो यह इस मेरे ख्याल से इसमें शायद थोड़ी स्पष्टता आ सके कि पैराडाइम जो होता है वो विधियों, प्रविधियों, नियमों, उपकरणों आदि का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जिसमें उनके अपने तरीके होते हैं किसी चीज़ को डायग्नोज करने के, किसी चीज़ को ढूंढने के, सत्य की खोज करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो विज्ञान का भी जो पैराडाइम है या चिंतन फलक है वह भी अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से बदलता बढ़ता रहा है, पर मोर और लेस एक कॉमन एलिमेंट सब में रहा है। फिर भी यहाँ पर थॉमस कून का जिक्र करना
उपयुक्त प्रतीत होता है, जिन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक 1962 में लिखी थी, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कि विज्ञान की क्रांति कैसे होती है। उसमें उन्होंने पैराडाइम शिफ्ट शब्द का प्रयोग किया। उनका मानना था कि विज्ञान आमतौर पर एक नॉर्मल विज्ञान की अवस्था में रहता है, जिसमें कि एक निर्धारित मानदंड हैं और उस पर सब काम कर रहे हैं। कोई भी समस्या आती है तो कुछ निर्धारित नियम हैं, उन नियमों को आधार लेकर के हम उन समस्याओं की पड़ताल करते हैं। कुछ निश्चित, पूर्व निश्चित पद्धतियां हैं, उससे हम ढूंढते हैं कि क्या कारण हो सकता है, उसका समाधान तलाशते हैं और आगे बढ़ते हैं। परंतु यह जो मान्यताएँ होती हैं, कई बार क्या होता है कि विज्ञान अपनी सामान्य अवस्था में चल रहा है, परंतु कई ऐसे प्रश्न धीरे धीरे हमारे समक्ष उत्पन्न होने लगते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर हमारा वह विज्ञान नहीं दे पाता। तो ऐसे में वह विज्ञान फिर धीरे धीरे उसमें एक क्रांति की अवस्था आती है, फिर वैकल्पिक ज्ञान की तलाश होनी शुरू होती है। और जब हम उस विकल्प की ओर धीरे 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 बढ़ते हैं, तो होता क्या है कि एक और पैराडाइम में, एक अलग पैराडाइम की ओर हम शिफ्ट करते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे जब हम आप बीमार पड़ते हैं, तो कई बार यह होता है कि अगर हमने गांव के डॉक्टर से इलाज कराया या किसी आयुर्वेद चिकित्सा का सहारा लिया और हमारा उपचार ठीक से नहीं हो रहा, तो लोग हमें सलाह देते हैं कि भाई एलोपैथी करवा लो, सर्जरी हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। अब आयुर्वेद वाले कभी आपको सर्जरी की सलाह नहीं देंगे, उनके पास में उनका अपना ज्ञान है, उनकी अपनी विधि है, वो कहेंगे कि नहीं नहीं हम ठीक कर देंगे इससे। या होम्योपैथी, वो भी उनके अपने तरीके हैं। परंतु होता क्या है कि जब हमारी समस्या बढ़ने लगती है और कोई एक चिकित्सा पद्धति हमारी समस्या का निदान नहीं कर पाती, तो हम दूसरी चिकित्सा पद्धति का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में एक पैराडाइम को छोड़ करके हमने दूसरे पैराडाइम की ओर रुख किया होता है, इसी को पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के स्वरूपों में से एक प्रमुख है अगला आगमनात्मक ज्ञान। इंडक्टिव रेफरेंसेस होते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग होती है, जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं हम। विशिष्ट से सामान्य की ओर से मतलब है कि विशेष तथ्यों और घटनाओं के निरीक्षण और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण इस पद्धति से किया जाता है। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम कहीं ज्ञान की दिशा में ही बढ़ें, तो कभी अगर न्यूटन ने ही देखा होगा कि सेब का एक जो फल है वो पेड़ से शाखा से टूट करके नीचे गिरा, फिर किसी और चीज़ को देखा तो वह भी नीचे आ रहा है। तो कई ऐसी घटनाएं जो कि देखा कि अगर उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो जमीन की ओर ही वह गिरती है, फ्री फॉल होता है। तो कई ऐसी घटनाओं को एक समान मिलाकर के उसके कॉमन एलिमेंट को निकालने से, वहां तो घटनाएं तो अलग अलग हुई, विशिष्ट घटनाएं हुई, पर उससे एक कॉमन जो समझ बनी वो ये बनी कि कोई ना कोई एक बल है जो सभी प्रकार के सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। और इसी से गुरुत्वाकर्षण बल की अवधारणा हमारे समक्ष आई, और यही गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित जो नियम या थियरीज दी गई, वह जो ज्ञान का विकास हुआ, वह आगमनात्मक ज्ञान का उदाहरण है। यानी कि एक उदाहरण या उसी जैसे मिलते जुलते कई उदाहरण से एक कॉमन ज्ञान की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा है निगमनात्मक ज्ञान, डिडक्टिव रीजनिंग। ये आगमनात्मक का ठीक उल्टा है। इसमें हम तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो उसे डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। उसमें जैसे प्रायः अगर आप सब जैसे गणित के जो थियरम्स हम पढ़ते हैं, यद्यपि जब वो थ्योरम बना होगा कभी तो कदाचित वो इंडक्टिव रीजनिंग रही होगी, लेकिन जब हम किसी समस्या का हल करते हैं तो हमारे समक्ष में एक थ्योरम है और उस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम ही है अगर, तो हम उससे किसी विशिष्ट समस्या का हल निकालते हैं। तो इसे निगमनात्मक तर्क कहते हैं, निगमनात्मक संदर्भ कहते हैं। विज्ञान में भी ऐसे कई वो होते हैं, खास करके
बेंजीन के स्ट्रक्चर से संबंधित जो अवधारणा का सृजन हुआ वो शुद्ध रूप से निगमनात्मक है। वो अचानक वह परिकल्पना आई, वो किसी अलग अलग उदाहरणों से नहीं आई। एक स्वप्न आया यद्यपि कहा जाता है, परंतु वो स्ट्रक्चर अपने आप में, या विज्ञान के ऐसे कई तथ्य, विज्ञान के ऐसे कई सिद्धांत हैं, कई ऐसे वो थियरीज हैं जो कि निगमनात्मक पद्धति से ही समझी जाती है। तो निगमन विधि में सामान्य नियमों का पहले प्रस्तुतीकरण होता है, फिर संबंधों की स्थापना होती है, और फिर उदाहरणों के द्वारा उस नियमों, उस विशेष नियम का परीक्षण होता है, और इस प्रकार से उसकी सत्यता, वैधता की पुष्टि की जाती है। तो यह जो पद्धति है, यह निगमन पद्धति कहलाती है, डिडक्टिव मेथड कहलाती है, या इससे प्राप्त ज्ञान डिडक्टिव नॉलेज कहलाता है। तो वैज्ञानिक ज्ञान का एक प्रमुख स्वरूप यह भी होता है, और कुछ ऐसे जो बीच के होते हैं जो कि आगमन निगमन विधि के संयुक्त रूप के परिणाम स्वरूप हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो उसे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड कहते हैं, या इंडक्टिव डिडक्टिव बेस्ड नॉलेज कहते हैं। यह भी वैज्ञानिक ज्ञान का एक प्रमुख स्वरूप होता है। तो हमने देखा कि वैज्ञानिक ज्ञान के विविध स्वरूपों में जितने भी स्वरूपों की हमने चर्चा की, वे सभी स्वरूप विज्ञान के इस ज्ञानानुशासन को निरंतर समृद्ध संवर्धित करने की सतत चेष्टा करते रहते हैं, और इन सब विधाओं पर मनुष्य निरंतर सतत प्रयत्नशील रहता है कि किस प्रकार मानव जीवन की समस्याओं का निराकरण किया जाए और विज्ञान का यह विकास निरंतर मानवीय सभ्यता के लिए उपयोगी साबित हो। धन्यवाद।